नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं आज तक। मुंबई में आज जैसी मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी वैसी बारिश हुई। शहर में जगह जगह पानी भर गया, जाम लगे और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर तो चट्टानी खिसक गई। लोकल को भी कुछ रूट पर बारिश के चलते बंद करना पड़ा। मौसम विभाग ने कल भी मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसके मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीर मुंबई के कांदिवली की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद अचानक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक चट्टान खिसक गई और बड़े बड़े पत्थर नीचे आकर गिरने लगे। ये चट्टान इतनी भारी थी कि अगर कोई वाहन सीधे इनकी चपेट में आता तो बड़ा हादसा तय था, लेकिन शुक्र है कि वहां से गुजर रही बसें और कारें इसके कहर से बच गई। सिर्फ एक कार को ही मामूली नुकसान हुआ। इसकी वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई घंटे तक ट्रैफिक को रोकना पड़ा। मुंबई में सोमवार रात से चल रही बारिश के बाद परेल, कुर्ला और चेंबूर जैसे इलाकों का हाल सबसे बुरा था। लोगों के घरों तक में पानी घुस आया। इस वक्त हम हैं गांधी मार्केट माटुंगा के पास। मुंबई और दक्षिण मुंबई को जोड़ने वाला ये रास्ता है और हर साल की तरह इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जलभराव हो गया है और तकरीबन ये रोड की हम फुटपाथ पर खड़े इस वक्त, फुटपाथ पर भी अगर हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर भी पानी की जो सतह है वो बढ़कर तकरीबन यहाँ पर घुटनों से थोड़ा नीचे और थोड़ा आगे अगर हम जाएँ तो तकरीबन घुटनों भर तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है। हर साल इस जगह पर पानी भरता है और अगर हम आपको पीछे भी दिखाएं कि यहाँ से दक्षिण मुंबई की ओर जाने वाली ट्रैफिक भी है यहाँ पर रुक चुकी है। बारिश की वजह से चर्च गेट और अंधेरी के बीच लोकल की वेस्टर्न लाइन को भी बंद करना पड़ा। बीएमसी ने मंगलवार के लिए निजी दफ्तरों को बंद रखने की अपील की थी। लोगों को भी सलाह दी गई थी कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। भारी बरसात के बाद मुंबई पूरी तरह से ठप है। इस वक्त हम गोल देवल मंदिर इलाके में है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कमर तक पानी आ चुका है। ये पानी फिर लोगों की दुकानें हों, लोगों के घर हों, वहाँ तक ये पानी घुस चुका है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले और दो दिन रेड अलर्ट, सबसे हाईएस्ट मौसम विभाग की जो वार्निंग है वो मुंबई, थाने, आसपास के इलाकों के लिए दी गई है। इसीलिए मुंबई करोड़ से यही निवेदन रहेगा कि जितना हो सके वो लोग घर पर रहें, क्योंकि आने वाली हाई टाइड में पानी इस स्तर से भी ऊपर जा सकता है। दोपहर में सांता क्रूज में एक दो मंजिला मकान ढह गया। इस हादसे में एक महिला और उसके दो बच्चे घर के पीछे बह रहे नाले में बह गए। महिला और उसके एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि महिला की 7 साल की बच्ची लापता है। ठाणे में भी 15 साल के एक बच्चे की बिजली के खंभे से करंट लगकर मौत हो गई। बुधवार को भी मुंबई और ठाणे में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई से मुस्तफा शेख, सौरभ वक्तानिया, कमलेश सुतार और एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत के जीजा और हरियाणा कैडर के आईपीएस ओपी सिंह ने मीडिया के साथ कुछ मैसेज शेयर किए कि कैसे उन्होंने फरवरी महीने में बांद्रा पुलिस स्टेशन के डीसीपी परमजीत सिंह दहिया से सुशांत केस में शिकायत की थी, पर दहिया ने कोई एक्शन नहीं लिया था। इन आरोपों को लेकर परमजीत सिंह दहिया ने आज तक पर अपना पक्ष रखा और ओपी सिंह के साथ हुई व्हाट्सएप चैट भी दिखाई। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक नया मोड़ आया जब उनके जीजाजी जो ओपी सिंह है, जो कि बहुत ही बड़े और वरिष्ठ सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने ये मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने फरवरी महीने में इसकी कंप्लेंट की थी कि वो डिप्रेशन में है, रिया चक्रवर्ती उनसे पैसे निकालने की कोशिश करी है लेकिन मुंबई पुलिस ने उस पर एक्ट नहीं किया। उस वक्त के बांद्रा पुलिस स्टेशन के जो जोन 9 के डीसीपी थे परमजीत सिंह दहिया, वो हमारे साथ मौजूद है और उनसे सीधे जानेंगे कि वो क्या कंप्लेंट थी। सर, पहले तो बताइए किस तरीके की कंप्लेंट थी और कब आप पहली बार ओपी सिंह से मिले या उनसे बातचीत हुई? देखिए, श्री ओपी सिंह हरियाणा कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। फरवरी के पहले वीक में मेरे एक बैचमेट का वहां से फोन आया था कि श्री ओपी सिंह मुंबई अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, वो आपको कॉल करेंगे। श्री ओपी सिंह ने मुझे कॉल किया, हमारे बीच में तब भी व्हाट्सएप मैसेज एक्सचेंज हुए। सर के लिए जो भी प्रोटोकॉल लगता था, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो चाहे वो होटल पे हो, और उसके अलावा सर ने कुछ रिक्वेस्ट भी की थी कि जैसे उन्हें सचिन तेंदुलकर से मिलना है, इस टाइप के व्हाट्सएप मैसेजेस हमारे बीच में उस समय एक्सचेंज हुए थे। सर, वो यहां पर आके कहां पर रुके थे और क्या कुछ बातों में उन्होंने और कुछ रिक्वेस्ट किया था? वो होटल ताज लैंड्स एंड बांद्रा में रुके थे। बाकी तो जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन हुई बहुत ही नॉर्मल थी, लेकिन एक बात जो मुझे खटकी, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के एसएचओ को बोलिए कि वो जाकर सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर को बोलेंगे कि हम लोग मुंबई आए हैं।
ये काफी मतलब थोड़ा साउंड अलग करता है क्योंकि काफी क्लोज रिलेशन में है वो, एक ही परिवार के है, तो पुलिस के थ्रू सुशांत को इन्फॉर्म करना कि वो मुंबई आ गए, ये क्या है? देखिए मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चूंकि वो एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैंने उसके ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग या उनसे कोई बात नहीं की, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आया था, दैट इज इट। ये मतलब ये बात हो गई फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, ये हो गया तब आपसे कुछ बातचीत हुई, वो चाहे तो आप पर्सनली आपसे मिल सकते थे, आप बैंड्रा में ही थे, लेकिन आपको जो व्हाट्सएप कंप्लेंट आई है वो फरवरी 18-19 से 25 तारीख के बीच में, वो क्या कंप्लेंट थी, क्या बातचीत थी? देखिए मैसेजेस सारे आपके पास भी हैं, कोई भी नॉर्मल आदमी पढ़ सकता है और अपना मतलब उसमें निकाल सकता है, लेकिन मैसेजेस का क्रक्स ये था कि श्री सुशांत सिंह राजपूत और उनकी जो लिव इन पार्टनर थी उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और फैमिली इस बारे में कंसर्न थी, दैट वाज द मेन थ्रस्ट ऑफ द मैसेजेस। सर आरोप काफी गंभीर है, वो स्क्रीनशॉट्स हमारे पास भी है, कहा जा रहा है कि दिया चक्रवर्ती उनसे सारे पैसे लेना चाहती है, डिप्रेशन की जो दवाई है वो सही से नहीं हो पा रही है, और सुशांत सिंह राजपूत बहुत अलग थलग पड़ गए, उनकी हालत बहुत खराब है, आरोप काफी गंभीर थे, तो क्या किया आपने उस पर? इस बारे में हमारी टेलीफोन पे बात हुई, श्री ओपी सिंह ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उस लेडी को, उस लड़की को पुलिस स्टेशन बुलाया जाए और एक इन्फॉर्मल वे में दम देकर उन्हें ये बात समझाई जाए कि वो सुशांत की लाइफ से निकल जाए। इन्फॉर्मल का आप मतलब समझते हैं? इन्फॉर्मल यानी कि विदाउट एनी कंप्लेंट आप पुलिस स्टेशन में किसी को लेके आए और फिर उनको। बिल्कुल सही बात है। तो आपने इसके ऊपर क्या किया फिर? देखिए हमारी पोजीशन है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, हमारा बॉटम लाइन क्लियर है, रिटन कंप्लेंट के बिना चाहे वो लेडी हो चाहे वो पुरुष हो किसी को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाता। आप वो व्हाट्सएप चैट पढ़ेंगे तो उसमें से एक जो फॉरवर्डेड चैट है उसमें ये भी मेंशन किया जा रहा है कि मिरांडा नाम के किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जाए और वो सारे के सारे बीन स्पिल कर देगा। बिना एफआईआर के, बिना रिटन कंप्लेंट के किसी को कैसे पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है? तो आपने उनको क्या कहा आखिर में, क्योंकि आपने किसी को बुलाया नहीं, आपने इसमें इंटरव्यू नहीं किया? हमने इंटरव्यू नहीं किया बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूं हमारा बॉटम लाइन ये था, अगर हमारे पास रिटन कंप्लेंट मेरे पास एसीपी ऑफिस या बांद्रा पुलिस स्टेशन में आती तो हम लोग उसके ऊपर काम करते। श्री ओपी सिंह खुद एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी कानून समझते हैं। क्या उन्होंने उसके बाद कंप्लेंट की, क्या कुछ फॉलोअप हुआ उसके बाद 25 तारीख के बाद, क्या उन्होंने आपको कॉन्टेक्ट किया? बांद्रा पुलिस स्टेशन, एसीपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस में ना कोई ईमेल ना कोई रिटन कंप्लेंट है, कभी नहीं, कुछ भी नहीं, कभी नहीं है। मार्च में और अप्रैल में मेरी व्हाट्सएप पे भी उनसे कोई बात नहीं हुई, उनके उसके बाद मैसेजेस आए। मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन में डीसीपी था और मेरा ट्रांसफर 1 अप्रैल को, यानी कि 25 फरवरी की इस व्हाट्सएप कन्वर्सेशन के लगभग 1 महीने के बाद, और श्री सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से लगभग 2.5 महीने पहले मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया है। मई में मुझे 2 मैसेजेस आए थे और दोनों मैसेजेस इस कंप्लेंट से रिलेटेड नहीं थे। एक मैसेज में 5 मई में श्री ओपी सिंह ने पूछा था कि मुंबई में एक आईपीएस अधिकारी पॉजिटिव हुए हैं, आप अपना ख्याल रखिए, मैंने उनका धन्यवाद किया। और दोबारा उन्होंने 18 मई को एक मैसेज भेजा था कि भांडुप में कोई माइग्रेंट लेबर फंसा हुआ है, उस समय माइग्रेंट लेबर की मूवमेंट चल रही थी, तो उस माइग्रेंट लेबर को आप निकालिए। ये 2 मैसेजेस मुझे 5 मई और 18 मई को आए हैं। मार्च में कोई मैसेज नहीं है, अप्रैल में कोई मैसेज नहीं है और मई में ये 2 मैसेजेस मेरे पास हैं। Anyway, I would like to emphasize कि 1 अप्रैल को I was no longer DCP Zone 9। यानी कि जैसे ही आपने रिटर्न कंप्लेंट मांगी उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं है। देखिए उसके बाद से सिर्फ एक 28 फरवरी का मैसेजेस है, वो भी मैंने आपको इस केस से रिलेटेड मार्च में, अप्रैल में, मई में कोई भी व्हाट्सएप मैसेज मुझे नहीं भेजा गया है और 1 अप्रैल को मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया कैमरा पर्सन वैभव के साथ, सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। आदित्य ने एक बयान जारी करके कहा कि इस मामले में सड़क छाप राजनीति की जा रही है और उनके परिवार पर कीचड़ उछाला जा रहा है, लेकिन वो धैर्य बनाए हुए हैं। और क्या कहा आदित्य ठाकरे ने, आइए आपको सुनाते। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।